हेलो एवरीवन, इस चैनल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं इस तरह का एक सीसीटीवी कैमरा। तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने इस वीडियो को यार पूरी ही डिटेल में बनाया है, जिससे जो है आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पहले कुछ ज्ञान की बातें, जो कि आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। देन उसके बाद हम इसके सभी पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि मैंने इसमें कौन कौन सा पार्ट जो है इसको यूज़ किया है। देन उसके बाद हम इसके जो है सभी पार्ट्स को करेंगे असेंबल, एंड असेंबल करने के बाद लास्ट में हम इसकी करेंगे टेस्टिंग। सो यार प्लीज़ इस वीडियो का जो है लास्ट तक जरूर देखना। सो फ्रेंड, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस तरह का कैमरा हम जो है कहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो इस तरह का कैमरा हम अपने घर में यूज कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा दरवाजा होता है, या फिर घर के किसी भी कोने में आप लगा सकते हो। देन उसके बाद आप इसको जो है अपने दुकान के बाहर भी लगा सकते हो। तो फ्रेंड, इसको लगाने का मतलब क्या होगा कि अगर कोई चोर बाई चांस अगर आपके दुकान के पास चोरी करने आता है, या फिर अगर आपके घर पे चोरी करने आता है, तो उसकी नज़र अगर कैमरे पे जाएगी तो आई एम श्योर कि वो जो है 90% तक जो है आपके घर में जो है चोरी करने का विचार जो है दिमाग में नहीं लाएगा, क्योंकि उसको डर रहेगा कि यार कहीं ना कहीं डर रहेगा कि उसको कि यहाँ पर कैमरा लगा है, मैं कुछ भी करूँगा तो मेरा चेहरा रिकॉर्ड हो सकता है, या फिर जो भी मैं एक्टिविटी करूँगा वो जो है रिकॉर्ड हो सकता है इसमें। तो उसके अंदर थोड़ा सा डर रहेगा, जिसकी वजह से वो शायद से आपके घर में चोरी ना करे। लेकिन यार अगेन, चोर तो चोर होते हैं, उसको कुछ बोल नहीं सकते। और एक सीक्रेट बात बताऊँ क्या? बताऊँ? अरे बताऊँ भाई, अब तो सर बोल। कैमरा फेक है। सो बेसिकली ये कैमरा बनाने का मोटिवेशन क्या है कि अगर आप किसी दुकान में जाते हो, ठीक है, वहां पर कहकर कैमरा रहता है, तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हो, काइंड ऑफ कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो उसी तरह से यार अगर आपके घर में इस तरह का कैमरा लगा रहेगा, या फिर आपके दुकान में अगर आपकी दुकान है तो उसमें इस तरह का अगर कैमरा लगा रहेगा, तो अगर कोई चोर बाई चांस आए तो मैं तो देखो अकॉर्डिंग टू मी कि ये जो है अगर कैमरा कोई देखेगा तो यार थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है, उसका माइंड जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है चीजों को लेकर। तो उसके हिसाब से यार मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इसको यूज करते हो तो 99% चांसेस जो है वो जो है कि आपके घर पे या फिर आपके दुकान पे चोरी नहीं होगी, ठीक है। 12 o'clock midnight। सो फ्रेंड, आप बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। सो फ्रेंड, ये है एक सिलिकॉन जो बॉटल होती है उसका बॉटल है, और ये जो खाली वाला बॉटल है, ठीक है। देन उसके बाद फ्रेंड, मैंने इसी सेम बॉटल में से एक और पीस कट किया है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। देन उसके बाद इसमें से एक छोटा सा कैप भी निकलता है, इसका ढक्कन जो रहता है इस तरह से, और इसमें मैंने एक होल भी कर दिया है। देन उसके बाद फ्रेंड, आपको बता दूं यार, आपको जो इस तरह की एक सिलिकॉन बॉटल लेनी है, जिसमें से मैंने इन सभी को जो है यहाँ पर कट किया है। ये सिलिकॉन बॉटल जो है खाली थी, तो इसी बॉटल को मैं यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने दो सनबोर्ड के पीसेस कट किए हैं, जो कि बॉटल के साइज़ के ही हैं। देन उसके बाद फ्रेंड, मैंने यहाँ पर दो रिंग कट किए हैं, यहाँ पर जो 40 mm पाइप होती है उसके हिसाब से मैंने इसके दो रिंग कट किए उसी पाइप में से, पीवीसी की पाइप में से। देन उसके बाद यहाँ पर 20 mm की जो पाइप होती है उसमें से मैंने यहाँ पर दो पीसेस कट किए हैं, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। देन उसके बाद फ्रेंड, एक हमको एक छोटा सा इस तरह का प्लास्टिक का पीस चाहिए, ये भी मैंने पीवीसी पाइप से ही निकाला है। देन उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पर दो लकड़ी लिया है। सो आपको कुछ इस तरह से एक छोटी एक बड़ी लकड़ी लेनी है। देन उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर मैंने कुछ ओल्ड LEDs ली हैं, जो कि सारी की सारी LEDs यहाँ पर ख़राब हैं, ठीक है। अभी फ्रेंड, यहाँ पर मुझे इतनी सारी LED कहाँ से मिली, क्योंकि मैंने यहाँ पर सामान लिया था तो उसमें बहुत सारी LED जो है डिफेक्टिव मिल जाती हैं। सो फ्रेंड, उसके बाद हमको एक रेड LED चाहिए जो कि वर्किंग हो, और उसके बाद फ्रेंड हमको यहाँ पर चाहिए एक इस तरह की LED, 1 watt की LED, ठीक है। देन उसके बाद फ्रेंड, इसमें हमको एक चाहिए एक छोटी सी रिंग, अगर आपको ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। देन फ्रेंड, हमको एक चाहिए यहाँ पर एक फेक कैमरा, या फिर जो नॉन वर्किंग कैमरा होता है वो जो है, और ये जो है आपको मोबाइल रिपेयरिंग की जो शॉप होती है वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। देन मैंने यहाँ पर कुछ ओल्ड वायर्स जो यहाँ पर यूज़ किए हैं, और इसका भी मैं आगे वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ। सो फ्रेंड, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है एक फेविक्विक। अगर आपके पास इस तरह की बड़ी वाली बॉटल नहीं है तो आप छोटी वाली फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जितने भी पार्ट इस वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ उन सभी को मैं यहाँ पर आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ। आप चाहो तो यार इसको देख सकते हो आसानी से, और अगर आपके पास इन सब में से कोई भी पार्ट्स नहीं है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, देन फ्रेंड आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड कर सकता है, आप किसी भी तरह का जो है मटेरियल यूज़ कर सकते हो। द नेक्स्ट स्टेप। सो चलो फ्रेंड, अभी सभी पार्ट्स को करते हैं असेंबल। लेकिन यहाँ पर सभी पार्ट्स को असेंबल करने से पहले मैं इसको जो है पेंट कर दूंगा। A few moments later.
सो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने सभी पार्ट्स को यहाँ पर ब्लैक पेंट किया है। अगर आपके पास ब्लैक पेंट नहीं है तो आप जो है सिल्वर पेंट भी कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर सीसीटीवी कैमरा ब्लैक और सिल्वर कलर के ही होते हैं। सो फ्रेंड अभी चल रहे इसको असेंबल करते हैं। सो यार पहले जो हमारी LEDs थी, जो यहाँ पर छोटी छोटी ख़राब LEDs थी, इन सभी के लेग जो होते हैं उनको जो है यहाँ पर कट करना है हमको, ठीक है। सो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो मैं इन सभी की पैर जो है मैंने यहाँ पर कट कर दिया, इन सभी LEDs के मैंने पैर जो यहाँ पर कट कर दिए है, और यार देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड अभी हम क्या करेंगे कि इसको जो हमारा कैमरा था, जो हमने खराब वाला कैमरा लिया था, उसको हम लेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारी 1 वाट की LED हमने निकाली थी इसको भी लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर 1 वाट की LED होती है उसके ऊपर कुछ इस तरह का एक ग्लास टाइप लगा रहता है जो कि प्लास्टिक का ही रहता है। सो इसको मैं यहाँ पर निकाल लूँगा। सो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने इसको निकाल लिया है, और फ्रेंड ये ट्रांसपेरेंट है, इसकी वजह से यार कैमरा इस पर प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहा है, लेकिन फ्रेंड आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि यहाँ पर क्लियरली आपको दिखा रहा हूँ मैं। फ्रेंड उसके बाद हमको इसको जो है कैमरे के ऊपर कुछ इस तरह से लगाना है। सो इसको मैं यहाँ पर फिरकी की मदद से जो है चिपका दूंगा। देन फ्रेंड हमारा जो हमने पीसेस कट किए थे सनबोर्ड के जो सर्कल में, उसको मैं यहाँ पर इस तरह से एक बीच में होल कर दूंगा, और होल करने के बाद जो हमारा कैमरा था इसके अंदर कुछ इस तरह से लगा दूंगा, उसका फिरकी लगा दूंगा। देन फ्रेंड यहाँ पर आप देखोगे कि मैं यहाँ पर दूसरा जो हमारा 20mm का जो है यहाँ पर प्लास्टिक का पीस था उसको भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और लगाने के बाद फ्रेंड यहाँ पर बीच में देखोगे थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पर वाइट दिख रहा है, तो उसको हम लोग कलर करने के लिए जो ब्लैक मार्कर होता है उसको मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, और उससे मैं इसको जो है फटाफट से जो है इसको अच्छी तरह से इसको कलर कर दूंगा। फ्रेंड उसके बाद हमको एक चाहिए इस तरह की प्लास्टिक, यार इसको जो है मैं आपको यहाँ पर ऑल पार्ट जो था उस पार्ट में बताना भूल गया, तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट करके जो है सर्कल में इसको इसके ऊपर लगा देना है, और उसके फिरकी की वजह से चिपका देना है। देन उसके बाद हमारी दूसरी रिंग थी 20mm की, उसको भी जो हम इसके ऊपर कुछ इस तरह से रख के इसको ही फिरकी की मदद से जो अच्छी तरह से चिपका देंगे। सो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो मैंने चिपका दिया है, और उसके बाद फ्रेंड अभी चलते हैं हमारे फाइनल स्टेप पे। सो वो है कि LEDs। तो यार LED लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने सभी ख़राब LED यूज़ किए हैं, जो असली कैमरा होता है उसमें जो है यहाँ पर इंफ्रारेड LEDs लगी होती हैं। सो अभी मैंने सभी LEDs को है इसके ऊपर जो है चिपका दिया है, तो आप देख सकते हो यार ये भी थोड़ा थोड़ा जो है कैमरे की तरह लगना चालू हो गया है। देन उसके बाद ये हमारी छोटी सी रिंग थी उसको मैं इसके सेंटर में कुछ इस तरह से लगा के फिरकी की मदद से जो इसको चिपका दूंगा। यार देखने में अभी तो यार 90% जो है CCTV कैमरे के जैसा ही लग रहा है। सो अभी मैंने जो यहाँ पर रेड LED लगाई है उसका भी कनेक्शन हम लोग कर लेते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो इसके दो लेग हैं, और इन दोनों लेग में मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर कनेक्शन किए हैं कि इसमें मैंने एक यहाँ पर रेसिस्टेंस लगा दिया है जो कि 50K का रेसिस्टेंस है। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने दो वायर भी इस पर ज्वाइंट कर दिए हैं जो कि 9V बैटरी का जो है प्लग होता है। जो यहाँ पर जो रेड वाला वायर है वो है प्लस, और ब्लैक वाला जो है वो है माइनस का वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर कनेक्शन भी हो गया। सो फ्रेंड अभी चलो इसको जो है इसकी जगह पे लगा देते हैं। तो जहाँ हमारा पाइप था यहाँ पर कुछ इस तरह का, उसके अंदर हम इसको लगा देंगे। सो ये जो है इसके अंदर परफेक्टली इसके अंदर जो अच्छे से फिक्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसके साइज़ का ही काटा था। सो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको लगा दिया है, और लगाने के बाद मैंने इस पर जो थोड़ा सा फिरकी भी लगा दिया है ताकि ये जो है परमानेंटली इस पर फिक्स हो जाए और हिले डुले नहीं और एक जगह पर बना रहे। सो फ्रेंड अभी हम इसके जो है और ऊपर का जो थोड़ा सा काम करते हैं। सो उसके लिए हमने यहाँ पर जो रिंग काटी थी, जो 40mm की जो रिंग थी, उसको मैं कुछ इस तरह से इस पर लगा दूंगा, और इसको लगाने के बाद इसको थोड़ा सा अंदर डाल दूंगा। अंदर डालने के बाद मैं जो है इस पर थोड़ा सा फिर किक लगा दूंगा ताकि ये जो एक जगह पे बना रहे और बार बार हिले नहीं, और उसके बाद ये जो है अच्छी तरह से दिखेगा भी, क्योंकि ये जो हम यार एकदम रियल जैसा ही बना रहे कैमरा को। सिर्फ यहाँ पर देखने में रियल है लेकिन वर्क जो है वर्क तो करता नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखने में तो रियल ही लगेगा। देन फ्रेंड यहाँ पर मैंने लगा दिया, लगाने के बाद कुछ यहाँ पर देखोगे कि वाइट दिख रहा था, तो उसको मैंने यार फिर से पेंट कर दिया है। और यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने सभी जो यहाँ पर पेंट थोड़ा सा निकल गया था, तो मैंने उसको जो है फिर से यहाँ पर पेंट कर दिया है। सो फ्रेंड अभी चलो हम इसका फाइनल स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने एक और प्लास्टिक की यहाँ पर शीट ली है, और उसको कुछ इस तरह से इसके ऊपर लगा दूंगा, और लगाने के बाद जो 40mm की हमारी जो दूसरी रिंग थी उसको मैं इसके ऊपर जो है कुछ इस तरह से लगा दूंगा। सो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो। सो फ्रेंड अगर आपको इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो यार आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप अगर आप इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हो तो मेरे यार चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, सो उनको भी आप चेक कर सकते हो इस वीडियो के बाद। सो फ्रेंड अभी हमारा जो दूसरा पार्ट था जो मैंने यहाँ पर कट किया था, तो उसके बाद मैंने इसमें जो एक छोटा सा यहाँ पर कुछ हैंडल टाइप लगा दिया है, और ये जो है पीछे इसके इस तरह से लग जाएगा। सो आप यहाँ पर देख ही सकते हो।
फ्रेंड उसके बाद मैंने दो छोटे छोटे पीसेस लिए हैं और उसको भी पेंट कर दिया है। पेंट करने के बाद मैंने इस पर जो है कैप मैं बना रहा हूँ, सीसीटीवी कैमरा का एक कैप भी होता है तो उसी तरह का मैं इसको बना रहा हूँ। और इसको बनाने के बाद मैं इसको जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर चिपका दूंगा। सो फ्रेंड यहाँ पर मैं रेड LED को जो है टॉप पे रख रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं इसको जो है यहाँ पर लगा दूंगा। और इसको लगाने के बाद मैं इस पर जो है फेविक्विक लगा दूंगा ताकि ये जो एक जगह पे बना रहे और बार बार हिले नहीं। सो अभी मैंने जो यहाँ पर दो लकड़ी यहाँ पर काटी थी उसको भी मैंने पेंट किया और एक ढक्कन था उसको भी मैंने पेंट किया है। अब इसको जो है हम करेंगे इसको असेंबल। तो असेंबल करने के लिए मैंने यहाँ पर जस्ट दो स्क्रू होते हैं उससे मैंने इसको टाइट कर दिया। यहाँ पर देख सकते हो एक पीछे से मैंने टाइट किया है और उसके बाद कुछ इस तरह से मैंने इसको एक L शेप बना दिया है। सो ये जो है हमारा जो कैमरे का स्टैंड है स्टैंड की तरह वर्क करेगा। और ऊपर मैंने थोड़ा सा इसको कर्व शेप दे दिया है क्योंकि मैं बॉटल पे चिपकाने वाला हूँ, यानी जो हमारा पाइप था उस पे चिपकाने वाला हूँ। सो उसके लिए और देन फ्रेंड यही जो हमारा पीछे का एक मैंने प्लास्टिक का पीस काटा था सो उसको मैं इसमें इस तरह से होल कर दूंगा। और होल करने के बाद इसको इस तरह से लगाने के बाद मैं इस पर जो है फेविक्विक लगा दूंगा ताकि ये जो परमानेंटली फिक्स हो जाए। और उसके बाद जो हमारा स्टैंड है उसको हम फाइनली अपनी सीसीटीवी कैमरा के ऊपर जो है कुछ इस तरह से रख के चिपका देंगे। सो फ्रेंड अभी हमारा देख सकते हो कि हमारा सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर 90% रेडी हो चुका है। मैं 90% क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि यार इसमें यार कोई भी वायर अभी तक लगाया नहीं हमने। सो चलो हम इसके वायर भी लगा लेते हैं ताकि ये जो देखने में और ही ज़्यादा रियल लगे। सो इस पर मैंने यहाँ पर जो हमारे दो वायर लिए थे ख़राब वाले वायर स्टार्टिंग में सो उसको हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लेंगे और जो हमारे पीछे का कैप बनाया था उसको कैप के ऊपर कुछ इस तरह से लगा देंगे। और लगाने के बाद फ्रेंड मैं यहाँ पर जो है एक 9 वोल्ट की बैटरी लूँगा। अब मैंने ये बैटरी ली है फ्रेंड, अगर आप 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ करते हो तो इसका बैकअप जो है तकरीबन 3 से 4 महीने यार कंटिन्यूसली ये चलेगा क्योंकि इसको पावर सप्लाई बहुत ही कम चाहिए क्योंकि मैंने इसमें रेजिस्टेंस लगाया है जिससे यार LED बहुत ही स्लो जलती है। लेकिन ऐसा ही नहीं कि आपको पता भी नहीं चलेगा यार, जलेगी, बहुत अच्छी तरह से जलती है और ये अच्छी तरह से वर्क भी करती है फ्रेंड। सो यहाँ पर देख सकते हो ये जो है तकरीबन अगर आप एक 9 वोल्ट की बैटरी फुल चार्ज बैटरी लगाओगे तकरीबन यार 4 से 5 महीने तो आराम से चल जाएगा 24/7 आवर भी अगर आप इसको यूज करोगे तो। देन उसके बाद इस बैटरी को अंदर डाल दूंगा, अंदर डालने के बाद जो हमारा कैप था उसको भी मैं लगा दूंगा कुछ इस तरह से। सो फ्रेंड अभी हमारा सीसीटीवी कैमरा जो है यहाँ पर फुल्ली रेडी हो चुका है। आप इसको यार किसी भी तरह के कैमरा एंगल में यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो जिस तरह से भी चाहो क्योंकि मैंने इसको जो है स्क्रू की मदद से यहाँ पर टाइट किया है। सो आप इसको जो है अपने एंगल के हिसाब से जिस तरह का अगर आप चाहते हो, जिस तरह भी आप चाहते हो कि कैमरा रहे, कैमरे का मुंह रहे, उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो हमारा कैमरा जो है यहाँ पर फाइनली रेडी हो चुका है। अगर आप इसको दूर से देखोगे ना तकरीबन 1-2 मीटर से तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि यार ये नकली कैमरा है क्योंकि यार देखने में एकदम असली कैमरा जैसा ही दिखता है। और फ्रेंड ये जो है अगर आप कोई नया व्यक्ति रहेगा या फिर जिसको समझ में नहीं आएगा, कैमरे के बारे में उतना नॉलेज नहीं रहेगा, वो जो है इसको देख के कहेगा कि यार ये असली सीसीटीवी कैमरा ही है। सो फ्रेंड बस यहाँ पर देख सकते हो मैं आपको फाइनली यहाँ पर टेस्टिंग करके बता रहा हूँ। सो यार अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि मैं इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। आप चाहो तो मेरे चैनल पर पड़ी सभी वीडियोज़ को चेक कर सकते हो। सो फ्रेंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।